अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम काइनेटिक्स 2, लेक्चर नंबर 10, व्हिच इज बेसिकली द सेकंड पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ द इंटरचेंजिंग द टू पार्टिकल्स, और हमने ये कहा था कि इन पार्टिकल्स के जो है वो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक स्टेट्स हमने डिस्क्राइब करनी है, और वो हम डिस्क्राइब करेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेंस में, कि उनका जो वेव फंक्शन है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेंस में आएगा, क्योंकि वो पार्टिकल जो हैं वो इंडिस्टिंग्विशेबल हैं। सो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो आज हम डिस्क्राइब करेंगे इसके वेव फंक्शन को किस तरह से लिखा जाए। तो सबसे पहले आज हमारे पास सिमेट्रिक आइगन फंक्शन, तो उसके लिए हमने साई एस लिख दिया है, अल्फा बीटा की बजाय अब हम लिख देंगे साई एस, कि ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन है पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, विच इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2। 1 ओवर अंडर रूट 2 इज बेसिकली द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, हर वेव फंक्शन की जो है वो एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हम ऐड करते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स 1 में हमने इसको पढ़ा हुआ है। सो इंटू साई ऑफ अल्फा बीटा 1 2, मीन्स जो फर्स्ट वेव फंक्शन होता है आपका ये वाला साई ऑफ बीटा 1 2, प्लस क्योंकि सिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो उसमें हमें पता है कि प्लस का साइन आता है, साई ऑफ अल्फा बीटा 2 1, तो ये साई ऑफ अल्फा बीटा 2 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये दोनों वेव फंक्शन को जो है हमने एड अप कर लिया है, और उसका जो वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपके पास बन गया एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन पार्टिकल 1 और 2 के लिए। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 ओवर अंडर रूट फैक्टोरियल साई ऑफ अल्फा बीटा 1 2 है, इसका मतलब है कि अल्फा जो है वो 1 के साथ है और जो बीटा जो है वो 2 के साथ है, तो हम इसको इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेंस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा साई ऑफ अल्फा 1, कि अल्फा जो है वो 1 का है, और साई ऑफ बीटा 2, तो ये बीटा जो है वो 2 पार्टिकल की पोजीशन आ गई, प्लस साई ऑफ अल्फा 2। अब यहाँ पर जो अल्फा है वो 2 है, अल्फा स्टेट में पार्टिकल 2 है और बीटा स्टेट में पार्टिकल 1 है, तो ये बीटा 1 हो गया। तो ये आपके पास सिमेट्रिक वेव की एक सिमेट्रिक आइगन फंक्शन की इक्वेशन आ गई। वो कहते हैं फॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा मींस द सेम स्टेट, पहले तुमने कहा था ना कि अल्फा एक अलग स्टेट है और बीटा एक अलग स्टेट है, सो दिस वाज लेट्स से आवर अल्फा, दिस इज आवर बीटा। तो कहते हैं कि फर्ज कर लें अगर वो अल्फा जो है एक ही स्टेट में हो जाए जिसमें बीटा हो, सो अल्फा बिकम्स इक्वल टू बीटा, इन दोनों स्टेट्स की एक सिंगल स्टेट बन जाए। सिमेट्रिक वेव फंक्शन साई एस 1 2 इन दिस वेव फंक्शन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो कहते हैं ये वाली जो टर्म है ये वाली टर्म वो जीरो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं। अब यहाँ अल्फा है, अगर मैं यहाँ भी अल्फा लिख दूं और यहाँ भी अल्फा लिख दूं, तो ये हो जाएगा साई ऑफ अल्फा 1 साई ऑफ अल्फा 2 साई ऑफ अल्फा 2 साई ऑफ अल्फा 1, सो बेसिकली ये 2 टाइम्स हो जाएगा, सो इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं होगी ये टर्म, ठीक हो गया। सो कहते हैं एज द वेव फंक्शन एग्जिस्ट, क्योंकि वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो वैनिश नहीं हो रहा, वो जीरो नहीं हो रहा, दिस शोज दैट एनी नंबर ऑफ बोसॉन्स कैन बी इन सेम क्वांटम स्टेट। तो इसमें जो पार्टिकल 1 था और इसमें जो पार्टिकल 2 था, दिस इज 1 दिस इज 2, तो कहते हैं कि वो एक ही स्टेट में आ सकते हैं, अगर हम उनको इस तरह से लिख लें तो वो एक ही स्टेट में आ सकते हैं। तो ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन या बोसॉन्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई है, क्योंकि सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोसॉन पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, सो बोसॉन्स कैन बी इन द सेम स्टेट। इसको अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत दफा यूज करेंगे इस स्टेटमेंट को। सो ये प्रूफ है कि एक ही स्टेट में दो या दो से ज्यादा बोसॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो चलिए जी, अब हम दो पार्टिकल्स का एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन डिस्कस करते हैं।
उसमें कहते हैं कि एंटी सिमेट्रिक ऑफ वन एंड टू विल बी इक्वल टू द वन ओवर अंडर टू विच इज द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर. वैसे ही हम इसको लिखेंगे अल्फा बीटा वन टू माइनस अल्फा बीटा टू वन, और इसको एक्सटेंड करें इंडिविजुअल प्रोडक्ट की फॉर्म में तो वो आ जाएगा अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन. अब इसमें हमने माइनस साइन क्यों यूज किया, क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक है. सो इस केस में वो कहते हैं कि अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें दैट अल्फा बिकम्स इक्वल टू बीटा देन व्हाट विल हैपन. तो बीटा की जगह लेट्स से मैं अल्फा लिख लेता हूं, सो यहां भी बीटा की जगह अल्फा. सो कहते हैं द स्टेट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट साई ऑफ ए वन टू विल बी इक्वल टू जीरो. तो जो एंटी सिमेट्रिक स्टेट है वो वैनिश हो जाती है. So this term becomes equal to zero, this complete term. Okay. So ऐसा क्यों है, क्योंकि ये psi of alpha 1 beta 2, psi of alpha 2 beta 1, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा जी, जीरो. सो एज द वेव फंक्शन वैनिशेस मीन psi of a जीरो हो जाता है, दिस शोज दैट एनी नंबर ऑफ फर्मियंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब हमें मिल गया कि हम जैसे हमने लास्ट उसमें किया कि जब हमने एक ही स्टेट बना ली थी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो उसमें जो पार्टिकल वन और टू थे वो इजीली आ गए थे, ठीक हो गया. अब इस केस में कहते हैं कि वो पार्टिकल्स जो हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में, वो पार्टिकल जो है वो उनकी जो इक्वल स्टेट होती है वो वैनिश हो जाती है, मींस आंसर जीरो आ जाता है, मींस ये पार्टिकल जो है ना इस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर सकते. सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल फॉर द फर्मियान, कि एक फर्मियान स्टेट में ज्यादा पार्टिकल्स नहीं आ सकते, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल नहीं आ सकते. अगर दो पार्टिकल ने आना भी हो तो उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगती है, रिस्ट्रिक्शन बाय द पॉली प्रिंसिपल, जो कि हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे. और ये जो दो रिजल्ट्स हमने अभी कंक्लूड किए हैं कि फर्मियान जो हैं वो एक स्टेट में नहीं आ सकते, और दूसरा ये कि बोजांस एक ही स्टेट में आ सकते हैं जितने मर्जी हों, वो दो हों, वो बीस हों, वो सौ हजार मिलियन जितने भी हों, वो सारे एक स्टेट में आ सकते हैं बोजांस, ठीक है, लेकिन फर्मियान जो है वो नहीं आ सकते. सो इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. सो कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन.